मुकुट भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? आई नो मानव, लेकिन जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं, हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? कौमती भाभी कितनी केयरिंग है, इतनी अच्छी है। मुकुट भाई के साथ साथ वो इस पूरे फैमिली का ख्याल रखती है। क्या बात है, मेरी इतनी तारीफ हो रही है आज? अगर तारीफ करनी ही है तो बाकी करो, जिन्होंने मुझे ये पूरा घर संभालना सिखाया। ये लो, तुम दोनों के लिए हल्दी वाला दूध, अगर कोई अंदरूनी चोट है तो ठीक हो जाएगी। भाभी, हमारी चोट तो आपको खुश देखकर ही ठीक होगी। आपने हमारी तकलीफ तो दूर कर दी, पर जिस तकलीफ से आप गुजरने वाली हैं, पता नहीं हम उसे कैसे दूर कर पाएंगे। सत्य का आचरण करने, सत्य यानी सच, सच का आचरण करना, राजा हरिश्चंद्र की तरह हैं। ये इसकी तरह नहीं, ये तुम्हारे चाचा की तरह, जो हमेशा झूठ बोलता है और बेईमानी करता है। मैं? अरे सच बोलो सच, तो तेरे पहले परिवार का भला होगा। जी दीजिए, बस सब्जियां मैं काटती हूँ। मम्मी देखो ना, साक्षी अपनी साइंस का होमवर्क ही नहीं कर रही है। क्यों साक्षी बेटा, होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि मेरी टीचर कहती है कि होमवर्क अपने पापा के साथ करना चाहिए, इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन बेटा, पापा तो अब वडोदरा में है ना, आज होमवर्क तुम कर लो, कल उनके साथ कर लेना। अरे पापा यही है अहमदाबाद में, मैंने उनको हॉस्पिटल के बाद देखा था। हॉस्पिटल? साक्षी बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, वो आपके पापा नहीं है, वो कोई और अंकल थे। पर वो पापा जैसे क्यों दिख रहे थे? वो मेरे पापा ही है बस। अरे मेरी प्यारी साक्षी, तुम्हें पापा बहुत याद आ रहे ना, इसलिए तुम्हें हर एक में पापा नजर आ गए। तो चले पापा के पास, अपने उड़न खटोले पे। लो पहुंच गए पापा के पास। पर मेरा हुआ कौन कराएगा, पापा तो गए हुए हैं, पापा तो कर लाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, पापा के दादा तो है। आ जा। तुम्हें, तुम्हारे पापा जब छोटे थे तब उनका होमवर्क मैं ही करता था। सच्ची बात है? आज मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा। सच्ची बात है जी? सच्ची मुच्ची। लाओ 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 लाओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ तुम्हारे बुक लाओ। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, अब ठीक से खाना खाना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुनो, ऐसा कोई नहीं है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी केयर कर सके, इसलिए अपना ख्याल तुम्हें खुद रखना पड़ेगा। अब खाना खा लो। घर हो या बाहर, हमेशा गलत वक्त पे ही फोन करेगी, कंवार। कौन था? कोई नहीं, तुम खाना खाओ ना। पहले फोन कट गया और अब बंद बता रहा है, क्या हो गया होगा इनके फोन को, बात कैसे हो पाएगी, क्या करूं? मंथन भाई, आप तो अकेले अकेले चाय पी रहे हैं, मुझे नहीं पूछा। याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हम जब बाहर जाते थे तो आप एक ही चाय का कप मंगाते थे और हम दोनों पीते थे आधी आधी। हाँ। और आइसक्रीम भी एक ही खरीदते थे और दोनों खाते थे आधी आधी। और याद है एक बार तो आप चीकी
चुरा पा रहे थे तो वो भी आपने मुझे दी और हम दोनों ने खाई आधी आधी। संजना क्या है, बाहर चीजें बहुत महंगी है। नहीं हम तो घर में है ना अभी, तो यहाँ पर तो सब कुछ फ्री है ना। तो ये चाय मुझे अकेले ही पीने दो। जी मंथन भाई। हाँ भाभी। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलिए। वो वडोदरा गए हुए और उनका कोई फोन नहीं आया। मैंने भी फोन लगाने की कोशिश की लेकिन बंद बता रहा है। तो आपको पता है वो कहाँ ठहरे हुए हैं? नहीं भाभी मुझे तो नहीं पता। मुझे लगा शायद आपको पता हो तो मैं वहाँ फोन कर सकती थी। लेकिन भाभी शायद शायद मानव को पता होगा, आप उसी से पूछ लीजिए ना। जितना मैं जानती हूँ कौमदी भाभी बहुत ही इमोशनल है, लेकिन इतनी केयरिंग, इतनी काइंड हार्टेड पर्सन मैंने आज तक नहीं देखी। घर में सभी जानते हैं कि उनमें कितनी क्वालिटीज, सिर्फ भैया को ही उनमें बुराइयां दिखती हैं। वो तो ये भी नहीं जानते कि उनके स्टेप लेन से उनकी जिंदगी में नहीं बल्कि हमारे पूरे घर पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन मैं सिर्फ कौमदी भाभी के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ किसी को खोने का डर क्या होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें उस डर से गुजरना पड़े। मानव हम इस घर में छोटे हैं लेकिन हम फिर भी मुकुट भाई को समझाएंगे कि इस तरफ शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, इन सब से घर परिवार बर्बाद होते। मुकुट भाई कौमदी भाभी को जो भी समझे, जिस नाम से बुलाए, कितना भी डांटे, लेकिन वो है तो उनकी पत्नी ही ना और हमेशा उनकी पत्नी रहेगी। मुकुट भाई इस तरफ किसी और लड़की के साथ रहकर कौमदी भाभी को धोखा नहीं दे सकते। अपनी गलती बच्चों पे मत डालो। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रही थी जो मेज पर रखे मेरे जरूरी कागज नहीं दिखे तुम्हें? मेरा दिमाग खराब हो गया है जो तुम्हारे लिए फूल मंगाऊंगा? अरे पापा यही अहमदाबाद में मैंने उनको हॉस्पिटल के बाद देखा था। भाभी आप आइए ना। भाभी 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 मेरी बात तो सुनो। भाभी 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 दरवाजा खोलिए। भाभी मुझसे बात तो कीजिए। भाभी आप ठीक तो हैं? क्या हुआ चंचल, कौन है अंदर? क्या हुआ भाभी? चंचल आपके कमरे का दरवाजा इतने जोर जोर से क्यों खटखटा रही थी और आप अंदर से जवाब क्यों नहीं दे रही थी? क्या हुआ? वो खाना पकाते वक्त जरा मिर्ची चली गई थी आंख में। मुंह धोने के लिए आई थी मैं कमरे में। चंचन शायद यही पूछना चाह रही थी मैं ठीक हूं या नहीं। अच्छा तभी मैं कहूं कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कि मिर्ची और प्याज भी ना बेमतलब लोगों को रुला देती हैं और लोगों को लगता है कि बात कुछ और है। भाभी इसलिए तो मैं रसोई में काम नहीं करती हूँ। हाँ भाभी आप आंखों को ना अच्छे से धो लेना नहीं तो लाल हो जाएंगी। हाँ हाँ मैं चलती हूँ, मुझे काम करना है बहुत। Thank you.
फिक्र मत कीजिए भाभी, मानव मुकुट भाई से बात करने गया है। भैया आप जितना भी चाहें, लेकिन आप इस बात को घर वालों से छुपा नहीं सकते। मैं छुपाना चाहता भी नहीं, क्यों छुपाऊं मैं? मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया जो छुपाता फिरूं। मयूरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इस रिलेशन को लेकर हमारे बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो शादी के इतने सालों बाद भी कौमुदी के साथ नहीं बन पाई। मुझे मालूम है, जब मैं ऑफिस से थका हारा घर वापस आया करता था तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त वो बच्चों को कहानियां सुना रही होती। और फिर नंदू ने जोर से चिल्लाया, शेर आया, और इस बार गांव वालों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर बार जब नंदू यही बोलता था वो झूठा साबित होता था। उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ परेशान हूँ, मैं कुछ थका हुआ हूँ। नहीं, उसे तो उस वक्त बच्चों को कहानियां सुनानी होती थी ना। मैं आराम करने के लिए अपने बेडरूम से बाहर निकल जाया करता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मयूरी और कौमुदी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कौमुदी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मानो अगर आज मैं ये कहता हूं कि कौमुदी को मेरी पसंद नापसंद की समझ ही नहीं है, तो इसके पीछे मेरे पास बहुत सारे कारण हैं। क्या मैं जो कुछ करना चाहता था उसे कभी समझ में ही नहीं आया? तुम अभी तक रसोई में ही काम कर रही हो, जल्दी करो, मैं म्यूजिक कॉन्सर्ट की तो टिकट भी ले आया हूँ। देखिए जी, मैं तो पूरे तैयारी में हूँ, लेकिन घर पे मेहमान आने वाले हैं और अंजना संजना भी यहाँ है नहीं इस वक्त। ऐसे में अगर मैं आपके साथ चली गई तो सारा कुछ बा को करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए ना, आज आप अकेले चले जाइए। उस दिन सूफी गानों का कॉन्सर्ट था, लेकिन कॉमेडी को गानों में तो क्या, मुझ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है चंचल, अब तक तो वो सिर्फ उखड़े उखड़े से रहते थे, लेकिन अब अगर मुझे छोड़कर चले गए तो। नहीं भाभी, चाचा मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी उन्हीं से जुड़ी हुई है। कल को उन्होंने अगर हमसे मुंह फेर लिया तो हम कहाँ जाएंगे? भाभी आपकी जिंदगी मुकुट भाई से जुड़ी हुई है और आप दोनों का रिश्ता इस मंगलसूत्र से, और जब तक ये आपके पास है तब तक मुकुट भाई आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है भाभी, इसलिए आप कमजोर मत पड़ना। और मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत देखना चाहती हूँ। उसने हमेशा मुझसे पहले फैमिली को अहमियत दी है। मैं उस दिन उस कॉन्सर्ट में अकेला चला गया। वहां पहली बार मैंने मयूरी को देखा। हाउसफुल था और वो टिकट के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। मेरे पास टिकट एक्स्ट्रा थी तो मैंने उसे दे दी। कॉन्सर्ट में हम दोनों साथ साथ बैठे। वो उस कॉन्सर्ट को मुझसे ज्यादा एंजॉय कर रही थी। उसे सिंगर्स की म्यूजिक की नॉलेज थी। कमी तो मुझ में ही होगी ना, इसलिए वो उस दूसरी लड़की के साथ। भाभी आप एक पत्नी हो, आप क्या कुछ नहीं कर सकती हैं? एक बात बताइए, क्या आपसे ज्यादा कोई मुकुट भाई का ख्याल रख सकता है? एग्जैक्टली, तो फिर इसी विश्वास को अपनी ताकत बनाइए और फिर देखिए आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। मयूरी जैसी लड़कियां पानी के बुलबुले की तरह होती हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता है। भाभी आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ एक पत्नी अपने पति का जिंदगी भर तक साथ निभाती है, एक गर्लफ्रेंड की तरह दो चार घंटे नहीं 24 घंटे तक अपने पति का ख्याल रखती है। वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उसके साथ घंटों बातचीत की जा सकती है। कब क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या पहनकर जाना है, कहाँ क्या खाना है, उसकी ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे पसंद ना हो। मैं अपनी जिंदगी में वो कॉन्सर्ट के 3 घंटे कभी नहीं भूल सकता। माना उस दिन मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि शायद मेरी बीवी भी मयूरी जैसी होती। मयूरी मेरी लाइफ पार्टनर नहीं, लेकिन कम से कम एक ऐसी पार्टनर है जो
जो जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने पिता होने का, पति होने का फर्ज नहीं अदा किया। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। अगर नहीं निभाई होती तो इस रिश्ते के बारे में सबको बहुत पहले ही पता चल गया होता। इतना सब कुछ किया है मैंने सबके लिए, अगर अपने लिए एक खुशी मांग रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं मैं? किसी लड़की के जन झूठे वादे आपके साथ वचनों से बड़े नहीं हो सकते भाभी। और सच कहूं तो मयूरी आपसे किसी भी मायने में अच्छी नहीं है, इसलिए आपके दिल में जो डर है ना, इसे बाहर निकालिए। और मैं तो कहती हूँ कि आप मुकुट भाई से कह दीजिए कि 2-4 घंटे क्या, एक पूरा दिन उनके साथ बिताए। हाँ, जब 3 टाइम का खाना बाहर खाएंगे ना और पेट खराब हो जाएगा तब खुद दौड़ते आपकी तरफ आएंगे, आपके हाथ की दाल ढोकली खाने। देखना भाभी, मुकुट भाई ने जो गलती की है उन्हें उसका एहसास हो जाएगा, फिर सुबह का भूला शाम को जरूर लौट के आएगा। लेकिन इससे पहले अगर बा को इस बात का पता चल गया? किसी को इसके बारे में पता नहीं और किसी को पता चलेगा भी नहीं। हम इस घर की बात को बाहर ही सॉल्व करेंगे। इतने सारे खिलौने हैं बच्चों के पास, फिर भी नए चाहिए हमेशा। देखो पूरे हॉल में खिलौने भी फैला दिए। अरे मानसी, ये बच्चे ना पढ़ाई के बाद अपनी किताबें, खेलने के बाद अपने खिलौने संभालते ही नहीं है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वैसे ये सब खिलौने देख के है ना, मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। याद है निबिन, मेरे पास बचपन में एक ढींगली थी, मैं ढींगली के साथ ही नाश्ता करती थी, ढींगली के साथ ही सोती थी। अरे बचपन बाद में याद करना, पहले सब आ गए, टिफिन तो ले लो उनके पास से। ये मानव का टिफिन भी ले लो, सारा दिन ऑफिस में ऐसे ही पड़ा रहा। अरे वाह, अब मानव का टिफिन ऑफिस से आप लाने लगे? टिफिन सर्विस शुरू कर दिया आपने? मंथन नहीं, साइड बिजनेस। मंथन बापूजी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुझे मजाक लगता है? हिसाब से 10 लाख रुपए गायब है। 10 लाख? कहाँ गए रुपए? 10 लाख? क्या 10 लाख? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता बाबूजी। सारे चेक्स तू लाता है, सारे चेक्स जमा तू करता है, तो तुझे पता होना चाहिए ना कि इतनी भारी रकम गई कहाँ। मैं दोबारा चेक करो, बताओ पैसे कहाँ गए। आप शांत रहिए, हिसाब मिल जाएगा। अरे कैसे मिल जाएगा, ये नालायक हमेशा गलती करता रहता है। लेकिन इतनी भारी गलती? बापूजी गलती आपसे हो रही है। नहीं, ये मिल गई ना एंट्री। ये देखिए ये रही ना एंट्री। ये 10 लाख रुपए मुकुट भाई के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुए। मुकुट भाई के अकाउंट में? मुकुट के अकाउंट में? पर क्यों, इतने सारे पैसे उसने बिना किसी से पूछे कैसे ट्रांसफर करवाए अपने अकाउंट में? कोई काम होगा इसलिए लिए होंगे। लेकिन मैं ऐसा क्या काम हो? आएगा तो पूछ लेंगे। अरे आगे मुकुट भाई आगे। जय श्री कृष्ण। जी श्री कृष्ण। वो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं एक रात पहले ही आ गया। ओ मानव भाई, आप मुकुट भैया को स्टेशन से लेने गए थे? मुकुट, मैं तुमसे ये पूछ, अभी अभी आया है बड़ौदा से। मुकुट तू थक गया होगा, हाथ मुंह धो ले, आराम कर ले, फिर कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। कौमुदी जाके देख उससे, अगर कुछ चाहिए तो दे दे।
वो बा क्या कह रही थी कि मैं फ्रेश हो जाऊं फिर मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है उन्हें? वो एक क्लाइंट का फोन है, बाद में बात करनी है। बा क्या बात करना चाह रही थी? मुझसे अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है जी आपको, मुझे मयूरी के बारे में सब कुछ पता चल गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।